हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाता है, इसका मतलब होता है जॉइंटेड फूट। आर्थ्रोस मीन जॉइंटेड एंड पोडोस मीन्स फूट। ये लार्जेस्ट फाइलम है क्योंकि इसमें लगभग 9 लाख स्पीशीज इंक्लूडेड हैं, जिसमें प्रॉन्स, क्रैब्स, स्पाइडर्स, श्रिम्प्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स, माइट्स एक्सेट्रा इंक्लूडेड हैं। ये ग्रुप लगभग 80% ऑफ ऑल एनिमल्स को इंक्लूड करता है। ये लैंड में भी मिलेंगे आपको, सॉइल में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, एस पैरासाइट भी मिलेंगे, बॉडीज ऑफ एनिमल्स में भी मिलेंगे, प्लांट बॉडी में भी मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली सेपरेटेड नहीं होती है। तो जो सेगमेंट्स हैं वो दो तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक तो आ जाता है सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमिन, जिसमें सिफेलोथोरेक्स का मतलब हो जाता है हेड एंड थोरेक्स आर फ्यूज टुगेदर, या फिर थ्री रीजन्स में सेपरेटेड हो सकती है, दैट इज हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमिन। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो हेड बनाता है, जिसमें बहुत सारे फ्यूज सेगमेंट्स रहते हैं, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, ब्रेन रहता है। मोस्टली ये ओवीपैरस होते हैं, कुछ जैसे स्कॉर्पियन वीवीपैरस या ओवो वीवीपैरस भी हो सकते हैं। सीलिया इनकी बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है क्यूटिकल की फॉर्म पे, जो समय समय पर मोल्टेड हो जाता है। ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि इन वर्टिब्रेट्स में पहली बार अपीयर होते हैं। कुछ आर्थ्रोपोड्स पार्थेनोजेनेसिस डेवलप करते हैं, जिसका मतलब ये होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एग का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि हनी बीज में बहुत कॉमन रहता है। इनका नर्वस सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड रहता है, नर्व कॉर्ड डेवलप्ड रहती है, कंपाउंड आइस और ओसिलाई भी प्रेजेंट होते हैं। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ग्रीन ग्लैंड्स हो सकते हैं इन केस ऑफ प्रॉन, कॉक्सल ग्लैंड्स हो सकते हैं इन केस ऑफ लैम्यूलस, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं इन केस ऑफ कॉकरोच। हीमोसील प्रेजेंट होती है, दैट इज रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी, जिसमें ब्लड होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि ब्लड हीमोसील में फ्लो करता है इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल्स। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट होती है, इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो कि कई तरह के होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा की बात करें तो उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 इज ओनिकोफोरा, जिसमें बॉडी इलांगेटेड रहती है, सेगमेंटेड रहती है और थिन क्यूटिकल से कवर्ड रहती है, फॉर एग्जाम्पल पेरिपेटस। सेकेंड क्लास आ जाती है इनकी क्रस्टेशिया, जिसमें हेड एंड थोरेक्स फ्यूज्ड रहते हैं टू फॉर्म सिफेलोथोरेक्स। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होता है, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्स, कैंसर डेट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैब, डेफनिया डेट इज वाटर फ्ली, पेलियोमोन डेट इज प्रॉन। क्लास 3 आ जाता है इनका माइरियापोडा, जिसमें बॉडी इलांगेटेड रहती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड रहती है और हर सेगमेंट में 1 और 2 पेयर्स ऑफ लेग्स हो सकते हैं। रेस्पिरेशन इनमें ट्रैकी के थ्रू होता है, एग्जाम्पल्स हो जाते हैं मिलीपीड एंड सेंटीपीड। सो क्लास 4 आ जाता है इनका इंसेक्टा, जिसमें बॉडी डिविजिबल होती है इनटू हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमिन। रेस्पिरेशन ट्रैकी के थ्रू होता है, एब्डोमिन में अपेंडेजेस नहीं होते हैं, हेड में एक पेयर ऑफ एंटेनी होते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास आ जाता है इनका एरेक्निडा, जिसमें बॉडी सिफेलोथोरिक्स एंड एब्डोमिन में डिविजिबल रहती है, रेस्पिरेशन बाय ट्रैकी रहता है, बुक गिल्स रहता है या फिर बुक लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, एंटनी एंड ट्रू जॉस नहीं होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके, प्रॉन हो जाता है, स्कॉर्पियन हो जाता है, वाटरफ्ली हो जाती है, कॉकरोच, सेंटीपेड, मिलीपेड, हनी बी, लॉबस्टर, किंग क्रैब, सिल्वर फिश, मॉस्किटोज, और मॉस्किटोज में कई वैरायटी हो सकती हैं आपकी, एनोफ्लीस, क्यूलेक्स एंड एडीज। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, क्या हो सकता है इनमें डिफरेंस। तो एनिलिड्स की बात करें तो इनमें वेल डेवलप्ड ट्रू सीलोम रहती है, जबकि आर्थ्रोपोड्स में स्मॉल सीलोम रहता है, इंस्टेड इनमें ब्लड होता है,
और बॉडी कैविटीज फिल्ड रहती हैं, जिसको हम हीमोसील भी कहते हैं। एनेलिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, जिसका मतलब यह हो जाता है कि ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, जबकि आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, जिसका मतलब यह हो जाता है कि ब्लड थ्रू लार्ज साइनसेस और स्पेसेस फ्लो करता है। एनेलिड्स में अपेंडिजेस अनज्वाइंटेड होते हैं, जबकि आर्थ्रोपोड्स में अपेंडिजेस ज्वाइंटेड होते हैं। एनेलिड्स में काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि आर्थ्रोपोड्स में काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एनेलिड्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स नेफ्रीडिया रहते हैं, जबकि आर्थ्रोपोड्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स ग्रीन ग्लैंड्स एंड मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। एनेलिड्स का सेंसरी सिस्टम कम डेवलप्ड रहता है, जबकि आर्थ्रोपोड्स का सेंसरी सिस्टम वेल डेवलप्ड रहता है। एनेलिड्स के केस में लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं आपके पैरापोडिया एंड जीटी, एंड आर्थ्रोपोड्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं आपके विंग्स एंड लेग्स। एनेलिड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं निरिस एंड अर्थवर्म, जबकि आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं मिलीपीड, सेंट्रीपीड, कॉकरोच, क्रैब एंड मॉस्किटो। सो नेक्स्ट फाइलम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोलस्का। तो मोलस्का में क्या होता है, अनसेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडीड यूसिलो में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इंक्लूडेड हो जाते हैं, और जो स्टडी ऑफ मोलस्क होती है दैट इज कॉल्ड मेलेकोलॉजी। फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें लगभग 87,000 स्पीशीज इंक्लूडेड हैं। फाइलम मोलस्का में एक्वेटिक फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे मसल्स, ऑयस्टर्स, स्नेल्स, स्लग्स, स्क्विड्स, कॉन्किस, कटल फिशेस, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। ये एनिमल्स वेरी करते हैं साइज में, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू जाइंट फॉर्म्स। सो मॉलस के केस में हम क्या देखते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल रहते हैं, लेकिन कुछ में एडल्ट्स ए सिमेट्रिकल हो सकते हैं ड्यू टू ट्विस्टिंग। बॉडी थ्री पार्ट्स की बनी होती है, एंटीरियर हेड, वेंट्रल मस्कुलर फूड फॉर लोकोमोशन एंड डॉर्सल विसरल मास कंटेनिंग ऑर्गेन सिस्टम्स। ग्लैंडुलर फोल्ड होता है इनमें, जिसको मेंटल और पैलियम भी कहते हैं, जो हार्ड एंड कैलकेरियस शेल सिक्रीट करता है, जो कि ऑल ओवर द बॉडी को कवर करता है। मेंटल कैविटी को इनक्लोज करता है, जिसको हम मेंटल कैविटी भी कहते हैं। ये गिल्स से रेस्पायर करते हैं, जिनको हम टेनिडिया भी कहते हैं, इन एक्वाटिक फॉर्म्स, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में पल्मोनरी सैक के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। इनमें ब्लू कलर्ड ब्लड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है, माउथ में रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जिसको हम रेडुला कहते हैं, जो काइटिनियस टीथ को बेयर करते हैं। नर्वस सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया के होते हैं, एंड एक्सक्रीशन अकर्स बाय मेटानेफ्रीडिया, जो कि पेयर्ड होते हैं। सेंस ऑर्गन्स इनके आइज इंक्लूड करते हैं। स्टेटोसिस्ट होते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम एंड बैलेंसिंग के लिए होते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं फॉर टेस्टिंग केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इनके काइटोन, पाइला, प्लाइसिया, ऑक्टोपस, सीपिया एक्सेट्रा। तो अब जो फाइलम मोलस्का है वो फाइव मेन क्लासेस में डिविजिबल है। क्लास वन आ जाता है आपका पॉलीप्लेकोफोरा, जिसमें शेल में एट कैलकेरियस स्पीशीज होते हैं, एग्जाम्पल काइटोन। नेक्स्ट आ जाता है आपका गैस्ट्रोपोडा, जो कि विसरल मास एंड शेल स्पाइरली कॉइल्ड होता है, एग्जाम्पल आ जाता है एप्पल स्नेल, सी हेयर, गार्डन स्नेल एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास आ जाती है आपकी स्कैफोपोडा, जिसमें टस्क लाइक ट्यूबुलर शेल होता है, जो कि दोनों तरफ से ओपन होता है, एग्जाम्पल हो जाता है डेंटेलियम और टस्क शेल। क्लास फोर हो जाता है इनका पेलीसाइपोडा, जिसमें शेल में टू लेटरल वाल्व्स होती हैं, एग्जाम्पल आ जाता है आपका यूनियो, फ्रेश वाटर मसल, पिंकटाडा, इंडरल, सॉरी इंडियन पर्ल ओइस्टर, और टेरेडो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड शिप वर्म। नेक्स्ट क्लास आ जाता है सिफेलोपोडा, जिसमें शेल एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। आईज काफ़ी डेवलप्ड रहती हैं। फुट ऑल्टर हो जाता है इनटू अ सीरीज ऑफ टेंटिकल्स। तो एग्जांपल्स हो जाते हैं इसके सीपिया और कटल फिश, ऑक्टोपस और डेविल फिश, लॉलीगो और स्क्विड। सो डेट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।